वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर कर रही हूँ, आई थिंक बहुत से क्या 80% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी उनका वेट लॉस नहीं होता है। मेरे साथ भी एक टाइम पे ऐसा के हुआ था कि मैं जब मैं 78 की थी तब आके वो 68 पे मेरा वेट स्टे कर गया था। और मैं डाइट भी बहुत कर रही थी, बहुत एक्सरसाइज भी कर रही थी, इवन मॉर्निंग में योगा कर रही थी, वॉक कर रही थी, बहुत सारे ड्रिंक्स ले रही थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि 3 to 4 months मेरा 68 वेट बना ही रहा। और मैं उस समय रीज़न जो है वो बिल्कुल भी खोज नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या होता है। फिर मेरे एक लोग जाने वाले हैं, उनसे मैंने बात की, मतलब वो थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड थे तो मैंने उनसे ये चीज़ डिस्कस की और उन्होंने स्पेशली मुझे इस चीज़ के बारे में बताया। ये एक रेगुलर चीज़ है, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आप मॉर्निंग में हर बंदा करता है, अगर आपने अपनी सिर्फ उस आदत को चेंज कर लिया तो मान के चलिए कि 1 week में आप अपनी मशीन पे 4 to 5 kg आप अपनी वेइंग मशीन पे 1 हफ्ते में उसका रिजल्ट देखेंगे। और मैंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग साथ शेयर की जाए, बिकॉज बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे मेल्स आप लोगों के आते हैं कि सुगम दीदी प्लीज़ हमें भी कुछ ऐसा बताइए क्योंकि हमारा वेट 6 महीने से रुका हुआ है, हमारा वेट 3 महीने से रुका। और ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जब मैंने अपने उन जो फ्रेंड हैं वो हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी अच्छे हैं, आप उन्हें एज अ डाइटिशियन मान लीजिए, आप उन्हें एज अ फिटनेस कोच मान लीजिए, उनसे जब मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी तब उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी। और मैंने ये बस मॉर्निंग का एक छोटा सा चेंज आपको करना है अपनी लाइफ में, यानी कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उससे बस एक चीज़ आपको अपनी लाइफ में, दिन में सिर्फ एक चीज़ हटानी है, और हटानी नहीं है उसको रिप्लेस करनी है उस चीज़ से, और उसके बाद आप देखिए कि बॉडी में क्या फर्क होने वाला है। तो जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ आगे वीडियो में बताऊँगी। और चैनल आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि आपको अपने जो आप नॉर्मल टी लेते हैं उसकी जगह आपको कॉफ़ी लेनी है। ये मैं किसी ब्रू का प्रचार यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको एक नॉर्मल आइडिया दे रही हूँ। और ये 1-1 रुपए के पाउच मैं इसलिए मंगा के रखती हूँ, मैं कभी भी जो कॉफ़ी का डिब्बा मंगा के नहीं रखती हूँ, मैं 1-1 रुपए के पाउच इसलिए मंगा के रखती हूँ बिकॉज जब भी मैं कॉफ़ी का बॉक्स मंगाती हूँ वो मेरा बेकार चला जाता है। आई थिंक मेरी गलती है कि मैं उसे अच्छे से टाइट नहीं कर पाती हूँ, तो मैं 1 रुपए का ये मंगाती हूँ, जस्ट खोलती हूँ, बनाती हूँ और मेरे सारे पैक जो हैं वो उसी तरह बंद रहते हैं और वो जमते भी नहीं है। तो सबसे अच्छा मुझे तरीका ये 1 रुपए के लगते हैं। और मॉर्निंग में जस्ट आपको सिर्फ अपनी रेगुलर टी से इस कॉफ़ी को चेंज करना है, जैसे आप रेगुलर कॉफ़ी पीते हो आपको वैसे पीना है। हल्की शुगर बस कम कर दीजिएगा, अगर शुगर ना कम कर सके तो आपको गुड़ मतलब डाल के आप थोड़ा सा पी लीजिए और उसके बाद देखिए आपका फैट बर्निंग का प्रोसेस कैसे बढ़ता है। अब आप सोचेंगे कि इतनी छोटी सी चीज़ में मेरा वेट लॉस कैसे होगा, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है हमारी कॉफ़ी में जो है वो क्लोरोजेनिक एसिड होता है। आप ग्रीन कॉफ़ी ले लीजिए, जो लोग नहीं ले सकते क्योंकि ग्रीन कॉफ़ी का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, आप मॉर्निंग में ग्रीन कॉफ़ी खाली पेट नहीं लेनी चाहिए बिकॉज वो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दे देगी। तो अगर आप ये वाली कॉफ़ी लेंगे तो इसमें भी क्लोरोजेनिक एसिड होता है, ग्रीन कॉफ़ी के कंपैरिजन में कम होता है लेकिन इसमें भी क्लोरोजेनिक एसिड होता है। और क्लोरोजेनिक एसिड ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके बॉडी वेट, आपके बॉडी फैट को बर्न करने में बहुत ही अहम रोल निभाता है। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ये आपके बॉडी फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ये आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। मींस पूरी तरह से मैं बात कहूँ तो ये अगर एक चीज़ आपने अपनी लाइफ में चेंज कर ली, जो जिनकी मैं बात कर रही थी कि जो मेरे मुझे जिन्होंने मुझे गाइड किया था कि जब मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि सुबह उठ के आप सबसे पहले क्या लेते हो, तो मैंने यही बोला कि मैं सुबह उठ के गर्म पानी लेती, कभी जीरा वाटर लेती हूँ, कभी अजवाइन वाटर लेती हूँ, कभी लेमन वाटर लेती हूँ, मतलब मैं किस, तो उन्होंने बोला यस ये बिल्कुल सही है कि आप जो भी लेते हो लेकिन उसके बाद आप क्या लेते हो, तो मैंने बोला मैं चाय लेती हूँ, तो उन्होंने बोला बस यहीं से आप गलती करना स्टार्ट कर देते हो क्योंकि आप चाय ले रहे हो, चाय एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके वेट लॉस में हेल्प करेगी, आप चाय की जगह कॉफ़ी लेना स्टार्ट करिए। और उन्होंने ही मुझे ये जो है आइडिया दिया था कि उन्होंने भी मुझे लगभग 200 पैकेट उनके यहाँ जो कॉफ़ी के पड़े थे उन्होंने मुझे
निकाल के दिखाया कि ये देखो कि मैं कभी भी जो है बॉक्स लेके नहीं आता कॉफ़ी का, बिकॉज वो मुझसे ख़राब हो जाता है। और तब से मैं भी 1 रुपए वाला ही कॉफ़ी का ये जो है लेके आने लगी हूँ, और हमेशा कॉफ़ी बना के मॉर्निंग में पीती हूँ। जिससे क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, और आपको 1 वीक में ही अपनी मशीन में फ़र्क दिखाई देने लगेगा। तो एक बार ये वाला आप जो है ट्रिक ज़रूर ट्राई करिएगा, और उसके बाद जैसा भी रिव्यू हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपने देखा, जस्ट आपको अपनी रेगुलर टी से अपनी जो है वो कॉफ़ी पे आ जाना है, क्योंकि जो आपकी रेगुलर टी है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जो फैट को स्टोर कर रही है, और मतलब कि आपका जो भी बॉडी का वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है उसको बढ़ा रही है, और आपका वेट लूज नहीं होने दे रही है। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।